Hello students, let's see the question. So the question is, lichens show the symbiotic association between. पूछा गया कि जो lichen है वो symbiotic association show करता है किसके बीच में? Bacteria and virus, fungi and roots of higher plants, algae and fungi, fungi and bacteria. तो अगर हम देखें ये जो lichen होता है, lichen is a symbiotic association between algae and fungi. तो अगर हम देखें यहाँ पे जो है, जैसे कि यहाँ पे जैसे ऊपर वाला कंपोनेंट अगर हम देखें लाइकेन का, ये ऊपर और नीचे अगर हम देखें, तो जैसे कि यहाँ पे ऊपर वाला कंपोनेंट जो है ये कौन सा है, ये जो है एल्गल कंपोनेंट है, और ये कौन सा है, ये फंगल कंपोनेंट है. एल्गल कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये जो है फाइकोबायंट, और ये जो फंगल कंपोनेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, माइकोबायंट. अगर हम देखें ये ऐसा एसोसिएशन है जिसमें क्या है, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है. तो एल्गे जो है ये इसको क्या प्रोवाइड करेगा, एल्गे फंजाई को हमें पता है कि फूड प्रोवाइड करेगा, फोटोसिंथेसिस करके फूड एक तरह से प्रोवाइड कर रहा है. फंजाई जो है ये इसको क्या प्रोवाइड करे, एक तो इसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा यहाँ से जो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करके प्रोवाइड कर रहा है. तो अगर हम देखें ये जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन एल्गे एंड फंजाई, ये करेक्ट आंसर होगा. बैक्टीरिया एंड वायरस वाला नहीं है. फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट जो होते हैं वो कौन सा होता है, वो माइकोराइजा होता है. वो क्या होता है, माइकोराइजा. ये वाला तो गलत है. फंजाई एंड बैक्टीरिया ये भी गलत दिया हुआ है. करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू नॉल द